नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिटेज फूड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और इसका रिजल्ट भी देखेंगे, और इस हिसाब से स्टॉक में जिस हिसाब से करेक्शन चल रहा है, स्टॉक कहां तक गिर सकता है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखेंगे तो ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुआ था, तो इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला और कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेसिस पे आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी चलिए अभी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी काफी सारा स्टॉक में करेक्शन चल रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं ये स्टॉक में हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। उसके बीच में एक एक स्टॉक में टारगेट अचीव हो भी रहा है, और कुछ कुछ स्टॉक तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जो कि ऐसे बॉटम बना के निकल चुका है। ठीक है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनएमडीसी का मैंने वीडियो बनाया था, एनएमडीसी का 4 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि ये स्टॉक बढ़िया सा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये स्टॉक को हमें लेके चल सकते हैं। ये स्टॉक में जिन्होंने भी उस टाइम पे बाई करके रखे होंगे तो वो अभी प्रॉफिट में होंगे, और बढ़िया सा गेन भी उस टाइम पे अभी एंजॉय कर रहे होंगे, 1 महीने में अच्छा सा गेन भी हो चुका है। यहाँ पे एक स्टॉक है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है। मैंने सबको बताया था कि ये स्टॉक अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो सेल करने का कोई भी रीजन नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखिए। ठीक है, तब मैंने बताने के बावजूद अभी देखिए, अभी जिन्होंने भी ये स्टॉक को होल्ड किया है, अगर आप लॉस में सेल करेंगे तो कितना स्टॉक को लॉस में सेल करेंगे। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप बोरोइंग मनी से ट्रेड मत कीजिए, और अपना जो भी सरप्लस मनी है उसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। करने के बाद में स्टॉक अगर हमारा बाइंग लेवल से अगर गिर भी जाता है तो हमें होल्ड करना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको, जिन्होंने भी बाय नहीं किया था उस टाइम पे, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अगर उस टाइम पे किसी ने बाय किया होता तो यहाँ पे वो प्रॉफिट में होते, अगर जिन्होंने लॉस में है तो स्टॉक को होल्ड कीजिए, अभी 10% प्रॉफिट में होते, और जिनका अभी लॉस में है स्टॉक को होल्ड जरूर कीजिए, स्टॉक आपको आने वाले टाइम पे बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर हम बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, देखिए एनएमडीसी में देखिए, यहाँ पे भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया हूँ ये रेंज पे, तो अभी देखिए स्टॉक वहां से है कितना परसेंटेज का रिटर्न दे चुका है, यहाँ पे 16% का रिटर्न दे चुका है। तो सारे स्टॉक ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक करेक्शन में चल रहा है, कुछ स्टॉक अभी भी पॉजिटिव रिटर्न के दिशा में चल रहा है। ठीक है, अभी चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, जो बात करेंगे हेरिटेज के बारे में, हेरिटेज फूड के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिए, यहाँ के प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है, पहले कंपनी का प्रोडक्ट देख लेते हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट है हेरिटेज फूड, यहाँ पे मिल्क, और यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्ट सब बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिल्क है, पेड़ा है, और यहाँ पे लस्सी भी देखेंगे, घी भी देखेंगे, यहाँ पे घी भी बनाते हैं, उसके साथ में कर्ड भी है, और यहाँ पे पनीर है। मतलब ये पूरा मिल्क का रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम भी है, उसके साथ में केक भी करते हैं, तो यहाँ पे है काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है प्रोड्यूस करते हैं। जो कंपनी है, कंपनी काफ़ी दिन से कुछ करेक्शन में चल रहा है। अगर हेरिटेज फूड का देखिए, स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है, स्टॉक में की काफी गिरावट हो चुका है, तो अभी जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा ये स्टॉक, वो सोच रहे होंगे कि स्टॉक को अभी लॉस में सेल करके निकल जाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा कोई भी स्टॉक आप बाय करते हैं तो कभी ना कभी वो स्टॉक नीचे गिरेगा ही, ठीक है, लेकिन उसके बाद में रिकवरी आएगा, तो कहाँ तक आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप आखिर तक जरूर बने रहिए। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कंपनी 1500 करोड़ का कंपनी है, जो कि 1500 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का पी देखिए, अभी भी 14 PE पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आरओसी की बात करेंगे, यहाँ पे 31% का आरओसी है, और प्रमोटर प्लेस 0 है, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 39% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.06% का डेट है, जो कि इतना ज्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, ये स्टॉक में 889 ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 335 पे, और स्टॉक का अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 565 और 52 वीक हाई है। ठीक है, स्टॉक एक अच्छा सा डिविडेंड डील भी प्रोवाइड करता है, जो कि 1.49% का डिविडेंड डील है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 137 है, तो अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से ये जो स्टॉक है साउथ में है, इनका जो बिजनेस है ज्यादातर इनका बिजनेस साउथ में ही है। साउथ में बोले तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे इनका मेनली जो फोकस है यहाँ पे साउथ इंडिया है,
और यहाँ पे जो मार्केट शेयर इनका है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, उसके बाद में यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी ने कुछ दिन पहले एक एक्विजिशन भी किया है, जो कि यहाँ पे देखिए द कंपनी एक्वायर्ड डायरी बिजनेस ऑफ रिलायंस रिटेल इन 2018 को रिलायंस का डायरी बिजनेस को भी एक्वायर किया है कंपनी ने। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का अगर रिजल्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये सबको बता दूं फ्रेंड्स, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, तो ये स्टॉक में मैं किसी को इन्वेस्टमेंट का राय नहीं दे रहा हूँ, हम एनालिसिस पहले कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2017 को देखिए स्टॉक में क्या जबरदस्त यहाँ पे कंपनी में प्रॉफिट आया था, 275 करोड़ का प्रॉफिट आया था, एक बार में बूम आ चुका था। उसके बाद में यहाँ पे 63 करोड़ हुआ, उसके बाद में 81 करोड़, उसके बाद में माइनस में, यहाँ पे जब यहाँ पे कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव में डाटा चला गया था, मतलब 160 करोड़ नेगेटिव था प्रॉफिट में, -160 करोड़। उसके बाद में फिर यहाँ पे पॉजिटिव डाटा आने चालू हो गया, 150 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे अभी देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर में 108 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी क्वार्टर के बारे में बात करेंगे, ये जो क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर में है, इसका जो डाटा है मतलब यहाँ पे डिक्लाइन में आया है इसका प्रॉफिट। अगर दिसंबर टू दिसंबर हम कंपेयर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 26 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी यहाँ पे 21 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स में तो बढ़िया सा सेल्स देखने को मिला है, जो कि 605 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था दिसंबर 2020 को, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे 667 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। सेल्स तो बहुत जबरदस्त ग्रोइंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम यहाँ पे जाके इसका रिजर्व देखते हैं, रिजर्व में यहाँ पे 433 करोड़ का रिजर्व था, उसके बाद में मार्च 2021 को यहाँ पे 569 करोड़ का रिजर्व है, उसके बाद में यहाँ पे 612 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है। रिजर्व के हिसाब से अगर बोरोइंग की बात करेंगे, यहाँ पे 37 करोड़ का ओनली बोरोइंग है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग पे करते जा रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ कंपनी जा रहा है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसी हिसाब से अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे 39.43% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, दिसंबर 2021 का डाटा है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे एफआई ने थोड़ा सा इंक्रीज किया है इनका स्टेक, पहले 3.47 था, अभी यहाँ पे 3.97 है, उसके बाद में डीआई के पास में 15.57 है, पब्लिक के पास में 41% के होल्डिंग है। फ्रेंड्स आज के अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का कारोबार हुआ है, आज के दिन में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने, और ये स्टॉक में 62% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 1,80,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है और 1,12,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि बढ़िया सा डाटा हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न फ्रेंड्स, ये मेनली हमें यहाँ से टेक्निकल चार्ट पैटर्न से हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है। फ्रेंड्स एक बार ये स्टॉक का वीकली चार्ट में बता देता हूँ, उस हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा स्टॉक में क्या पोजीशन बनाना है या तो फिर स्टॉक से दूर रहना है। फ्रेंड्स देखिए स्टॉक एक वक्त में एक टाइम था, ये स्टॉक में कितना परसेंटेज करेक्शन आया था एक बार जरूर देख लीजिए, कोई भी सोच रहा होगा स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए एक बार जरूर आपको देखना जरूरी है। ये स्टॉक में देखिए एक टाइम था, उस टाइम में 83% तक स्टॉक गिर चुका था, ठीक है, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 83% तक स्टॉक यहाँ पे गिर चुका था, तो मतलब स्टॉक कितना वोलेटाइल है आप जरूर सोच सकते हैं। और इसका गिरने का वजह क्या है वो भी हमारे सामने है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट में इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, इसके वजह से स्टॉक गिरा है। उसके सेकेंड रीजन क्या है, अगर आप सेकेंड रीजन की बात करेंगे, यहाँ पे स्टॉक का कोई भी स्टॉक हो वो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से फॉलो करता है स्टॉक का प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक जिस हिसाब से मोमेंटम में था, तो कुछ सालों में ये स्टॉक का जो मोमेंटम था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल कितना प्रॉफिट आया, अगर आप देखेंगे 2017 में यहाँ पे 275 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो इस हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम कहाँ तक जा चुका था, यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सालों में 2014 से लेके अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे 2014 से लेके स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 700% रिटर्न दे चुका था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यही एक ही साल में, एक साल में स्टॉक में कितना परसेंटेज तेजी आया था वो एक बार देख लीजिए जरूर, एक साल में ये स्टॉक में 254% का रिटर्न मिला था फ्रेंड्स। ये स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे ही होता है, जब वोलेटाइल में जब जब भागता है ना स्टॉक, पूरा जबरदस्त तेजी में भागता है, जब गिरता है उसी हिसाब से भी गिरता है, ठीक है, जहां पे यहाँ पे बिक वाली आता है स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में है फ्रेंड्स, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा स्टॉक अभी अगर आपने बाय करके रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है,
ठीक है, उसके साथ में कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो टारगेट है, टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्टॉक में ये जो टारगेट है हमें जरूर अचीव होने को हो सकता है, जो कि इसका टारगेट है 448 है। यहाँ पे 448 तक टारगेट आप अगर आपको निकलना है तो ये यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट क्या है, कौन सा सपोर्ट तक स्टॉक गिर सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो सपोर्ट है यहाँ तक स्टॉक जरूर गिर सकता है। यहाँ पे स्टॉक यहाँ तक जरूर आ सकता है जो कि 321 है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप अगर ये चीज नोट करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में स्टॉक यहाँ पे तेजी दिखाया था, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिन तक सपोर्ट बना, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट बना और यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट बना। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये जो रेंज है ना, यहाँ पे भी कुछ दिन तक सपोर्ट बना, मुझे ऐसा लगता है ये जो रेंज है ना यहाँ पे स्टॉक रुक सकता है, जो कि 321 का लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल पे आप एंट्री लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्क स्टॉक है क्योंकि बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपकी किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर वहां तक का हम टारगेट की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंटेज का गेन है, यहाँ पे एक 40% का गेन है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद का एनालिसिस के बेस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस स्टडी बेसिस पे मैं आपको बता रहा था, लेकिन कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे, खुद का एनालिसिस के बेस पे पोजीशन बनाइए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लीजिए इस स्टॉक के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं, और पोर्टफोलियो अगर रिव्यू करना है या तो फिर पोर्टफोलियो मॉडिफिकेशन करना है तो आप मेरे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।